उसका भी गुड नाइट हुआ है, रात में गुड मॉर्निंग 1 बजे रात में उठा था कि हम लोग का भी गुड मॉर्निंग है बट बाबू का भी गुड नाइट है। इधर एक मम्मी इधर सोती है, एक मम्मी इधर सोती, बड़ा बस हल्का सा पीला मुझे भी लगा हल्का सा यार। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, केम छो, भोजपुरी में बोले तो कैसन बानी रहो सब। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस न्यू ब्लॉग में, यूट्यूब चैनल में भी। एंड आपको पता है कि हम लोग मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग और पूजा बेबी की तरफ से गुड मॉर्निंग अभी नहीं होगा, बेबी की तरफ से, ये देखिए बाबू है उसकी तरफ से भी आपको गुड मॉर्निंग, उसका भी गुड नाइट हुआ है रात में गुड मॉर्निंग। तो एक्चुअली हम लोग का तो गुड मॉर्निंग डेट है 25 जनवरी एंड मॉर्निंग के 8 बजने वाले। जगह बेबी तो 1 बजे उठा है, 1 बजे रात में उठा था कि हम लोग का भी गुड मॉर्निंग है बट बाबू का भी गुड नाइट है। बाबू रात में जगता है और दिन में सोता है, तो देखते हैं कब तक ये शेड्यूल चलता है। अभी तो मैं पूजा के साथ नहीं हूँ, एक मम्मी इधर सोती है, एक मम्मी इधर सोती, तो दोनों मम्मी इनको पकड़ के सोते हैं। एंड मुझे भी थोड़ा सा रात को फील होता है जब बाबू के करता है, तो मैं भी थोड़ी देर जगता हूँ बट अभी उतना रियलाइज नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं उस रूम में होता हूँ। जब बाबू का जन्म हुआ था 22 जनवरी को, तो वहां से डॉक्टर ने हमें बताया था कि 4 दिन के अंदर में बाबू का थोड़ा चेकअप करवा देने के लिए। थोड़ा बस हल्का सा पीला मुझे भी लगा हल्का सा यार। तो आज बेबी जाएगा अपनी दादी के साथ घूमने, बेबी जाएगा दादी के साथ फर्स्ट टूर पे डॉक्टर के पास वो भी। तो आप लोग इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा एंड कंटिन्यूअस देखना है, स्किप नहीं करना है। और जितना प्यार आप लोग हम पे बनाए रखे हैं उतना ही प्यार बनाए रखना है। और जल्दी जल्दी हमें सब्सक्राइब करना है, कमेंट, लाइक, शेयर जितना हो सके दबा दबा के करना है। बेबी का फेस जल्द ही रिवील करने वाले हैं एंड शायद कल के वीडियो में हम बाबू का फेस रिवील कर देंगे। वो हमें भी अच्छा नहीं लग रहा आप लोग से छुपाना है बिकॉज आप लोग की फैमिली की तरह हो ना। तो बाबू का फेस कब दिखाएंगे, कल वीडियो में ना। एंड बाबू का फेस हम लोग कल दिखा देंगे बट अगर आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है और बाबू का अगर आप लोग फेस देखना चाहते हो तो बाबू को भर भर के प्यार देना आप लाइक्स में। कितने टारगेट, कितने लाइक्स के, कितने टारगेट दे रहा है? 1 लाख तो होनी चाहिए ना, मिनिमम 1 लाख। तो बस हम लोग कुछ नहीं मांग रहे आपसे, इस वीडियो के नीचे हमें 1 लाख लाइक चाहिए, वो कुछ नहीं, बस बाबू का समझ लो कि आप लोग मुंह दिखाई दे रहे हो। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंप्लीट कर दो और मैं उसी टाइम बाबू का फेस रिवील करूंगा यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, ये पक्का वाला वादा है हमारा। बस बाबू के लिए एक छोटा सा तोहफा है, 1 लाख लाइक चाहिए हमें और वो भी आपको करने हैं 10 घंटे के अंदर में। बहुत सारी तैयारी बाकी है, बाबू को हमने वेलकम भी अच्छे से नहीं किया, छोटा सा प्रोग्राम भी है बाबू का, छठी जो होता है उसमें छोटा सा प्रोग्राम भी होगा। तो कोई नहीं, आप लोग सभी चीज को देखिएगा अच्छे से, बाबू कैसे कैसे बड़ा होगा सब कुछ देख रहे हैं आप लोगों को। एंड ये तो गुड नाइट बेबी, एंड ये तो बस मॉर्निंग। एंड आप लोग को ये बोलना चाहूंगा, ये तो बस शुरुआत है। हे फैमिली, हे एवरीवन, तो टाइम अभी हो रहे हैं 2:54 एंड डेट है 25 जनवरी एंड अभी जस्ट हमें निकलना है मार्केट, डॉक्टर के पास लेके जाना है, चेकअप करवा देना है और उसकी सारी वैक्सीनेशन जो होती है उसकी चार्ट वगैरह बनवा लेनी है, कब उसे कौन सा वैक्सीन पड़ेगा। एंड बिकॉज उसे थोड़ा सा आज मुझे पीला लग रहा है बट पता नहीं, वो मुझे लगता है कि न्यू बेबी होने की वजह से हो जाता है कभी कभी, होता है ऐसा, तो वो नॉर्मल चीज़ है बट मेरा मन है कि मैं इसे चेकअप करवा लूँ। तो इसलिए हम अभी निकलने वाले हैं, हम जाएंगे, पापा जाएंगे, मम्मी जाएंगी और जाते हैं बाबू को जल्दी से चेकअप करवा के लेके आते हैं। एंड जहाँ बाबू का जन्म हुआ था वहाँ के डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर 4 दिन के अंदर में आपको छोटा मोटा अगर थोड़ा सा भी शक होता है कि आपकी पीली हो रही है या नोज या पैर, तो आप उसे चेकअप करवा देना। तो बट मैं सोच रहा हूँ चलो चेकअप करवा ही देते हैं, कोई रिस्क लेने की जरूरत है नहीं, तो चलते हैं फिर। अब देखते हैं, मम्मी भी रेडी हो चुकी होंगी एंड पूजा अभी स्लीपिंग मोड में है, मैं अभी जल्द मार्केट से लौटा हूँ। तो मैंने देखा पूजा अभी एकदम गहरी नींद में है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बाबू को ले आते हैं, दिखा के जल्दी से आते हैं।
चलिए पूजा के मम्मी के भी कहे वो है ना गोलू के लौटाना है सारी सारी मम्मी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मार्केट एंड बाबू को दिखाने के लिए एंड मम्मी है हमारे साथ, पापा जी गाड़ी चला रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर के पास एंड बाबू अभी तक सोया हुआ है एंड बहुत नींद में। मम्मी अभी नींद में हो? नींद में बाबू, नींद में। तो कोई नहीं, अब देख पापा गए हुए अंदर, देखते हैं कि डॉक्टर साहब है या नहीं, थोड़ा कन्फर्म हम नहीं, और अगर होते हैं तो जल्दी से दिखाएंगे और उसके बाद घर को निकलेंगे। पुर्जा ले लेना, ये कपड़ा है सौड़े को इतना वो है कि झुक लगता है। जांच उसको ली है दो बार रोली कि हाँ कि हाँ इसे खड़े से डाल दे। हाँ उसे क्या स्विच ड्रॉप और लिप हिट, घुमक्कर घूमे वाला है ना है जॉन्डिस। अभी टाइम आप देख सकते हो 4 बज रहे हैं। बाबू का आवाज आप सुन रहे होगे, मैं इस वाले रूम में हूँ एंड बाबू उस रूम में है, मम्मी है एंड उनकी नानी है, दादी है और बाबू बोलते हो बाबू करो ना। आ जाओ